नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करें कि वो दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वो गलतियां करके सीखे। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो उस समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें अपने पर विश्वास करने के कारण दिए। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते है। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तीन बातें याद रखो, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मन्नतें करना मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। क्या धन, क्या संपत्ति, सब यही रह जाएगा। कृष्णा के भक्त बनो, जीवन सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण के दरबार में दुनिया बदल जाती है, उसकी कृपा से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से कृष्णा का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। श्री कृष्णा कहते हैं, किसने बताया कि तुम सही हो और किसने कहा कि तुम गलत हो? तुम खुद से खुद को देखो कि तुम कहां गलत और कहां सही हो। एक वक्त पर जाकर यह एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, पर समय खराब हो तो आपके मजाक भी गलती बन जाती है। अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा मत मानिए, क्योंकि वह आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक इंसान की, वो किसी और को ना चाहे, किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है। चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो, इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते, गैरों को क्या खबर के दिल किस बात पर दुखता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती है, चालाक या नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। अनजान हुआ भी धीरे धीरे सीख जाऊंगा, पर किसी के सामने झुककर पहचान नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है कि कृष्णा मेरे साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर सख्त करते हैं और बुरा सुनने पर यकीन। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाजा खोल दो, गलती पेट की तरह होती है। औरों को तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत हो
वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआ। जब भी मेरी बात पीठ पीछे कोई करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उनको मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जंग रातों में जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के इस सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोस कर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिससे इंसान में बुरे वक्त में आपका साथ दिया, अगर आप उसको धोखा देते हो तो ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करता। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब, सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीबी। और वो जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुशनसीब। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद से अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानती और कुछ लोग धोखा खाकर खुद को गलत ही मानते हैं। सबके सिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वो तो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं हो तो खुद भी गलत है। निराशा में ही आशा की किरण है। कृष्णा मेरे साथ है, इस बात का हर पल मुझे स्मरण है। क्या पाया क्या गवाया, सुख समृद्धि और संतुष्टि पाया जो कृष्ण के दर पर आया। किस्मत का वो राजा जिसने श्री कृष्णा का आशीर्वाद पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है। अगला पार्ट देखने के लिए तैयार रहना कल शाम 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।